हाँ जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों अपने प्रदीप्ति का टॉपिक चल रहा था, उसी पर अपन बात करेंगे। आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर करते हैं अपन चर्चा की शुरुआत। देखो आज का अपना टॉपिक दो लैंप पढ़ेंगे और आप लोगों ने टाइटल से ही देख लिया होगा। आज अपना टॉपिक रहेगा एक तो हेलोजन लैंप और दूसरा आर्क लैंप, जिसको कार्बन आर्क लैंप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, फिर अपन करते हैं चर्चा की शुरुआत। और आवाज के लिए आज थोड़ा सा मुझे बता दो भाई कैसे आ रही है। ठीक है, हाँ विजय मीणा बोलो भाई, आज पहला कमेंट आपका दिख रहा है मुझे। हाँ भाई एसडी कैसे हो, एसडी चारण ठीक है, बाकी बात नहीं कर सकते ज्यादा, आप लोग फटाफट दे दो अपना जवाब था। देखो भाई सबसे पहले आज अपन बात करेंगे हेलोजन लैंप के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट लैंप है, काफी अच्छा लैंप है, ठीक है ना। अब ये विजय मीणा देखो भाई सवाल पूछ करके बैठ गया, मतलब सवाल पूछा नहीं कमेंट करके बैठ गया। बताओ फटाफट, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। चलो ठीक है भाइयों कर देना वीडियो प्लीज यार। हाँ ओके भाई, बहुत बहुत आपको भी नमस्कार, चरण स्पर्श तो कोई बात नहीं, बराबर के भाई है यहाँ, और ठीक है कोई बात नहीं। देखो भाई हेलोजन लैंप सबसे अच्छा लैंप है, इसके बारे में भी पेपर में बहुत सारे प्रश्न अपन से पूछे जाते हैं। देखो क्या सवाल अपन से पूछा जाएगा हेलोजन लैंप के लिए। अगर सबसे पहले बात करें तो इस लैंप में कौन कौन सी गैस होगी, इसी के बारे में पेपर में प्रश्न अपन से पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो अपन इसी पर बात करते हैं। देखो एक तो इनर्ट गैस होगी होगी है ना, और कौन सी थी निष्क्रिय गैस, ये तो आप लोग जरूर याद रखना। लैंप में इनर्ट गैस तो होती होती है भाई, रेगुलर ही है यार मृत्युंजय, आप बने रहो बस, जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए क्लास दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रहा हूँ। देखो आज 6 बजे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो दे दिया और अब लाइव क्लास ले रहे हैं, जितना टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों को देता जा रहा हूँ। देखो इनर्ट गैस में वही या तो अपना आर्गन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा, ठीक। प्रत्येक लैंप में कोई भी इनर्ट गैस हो तो ये तो होता ही है। ओके, इस इनर्ट गैस के साथ साथ हम कोई भी हेलोजन गैस और भरते हैं, जिसको हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है भाई हेलोजन कोई एक नहीं, चार गैसों का एलिमेंट या चार गैसों का ग्रुप होता है और वो अपन इसमें मिला करके भरते हैं। लोकेश भाई अभी एग्जाम ही नहीं हुआ यार, कट ऑफ का कैसे आइडिया लगाओगे आप लोग, ऐसे थोड़ी होता है कि मैं कुछ भी फेंक दूं आपको कि जयपुर मेट्रो में ये हो जाएगा। भाई जयपुर मेट्रो का एग्जाम ही नहीं हुआ, फिर पता लगेगा कि क्या रहेगा मेरिट, है ना। ओके भाई जिसको नंबर चाहिए वो मेंबरशिप ज्वाइन करो, सब कुछ आपको मिलेगा, इस पर मैं डिटेल से कभी बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। अभी टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो हेलोजन जो ग्रुप होता है इसमें होती है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ध्यान रखना भाई हेलोजन समूह में कौन कौन सी गैसें आती हैं। आप लोगों से अगर ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, ये अपने चार गैसें इनमें रहती हैं, और ये चार तत्व जो होते हैं इनसे मिला करके अपन आर्गन नाइट्रोजन के साथ मिश्रण करके इस लैंप में अपन भरते हैं, ठीक है। करूंगा मनीष इस पर मैं अलग से एक अपडेट दूंगा, देखते हैं या तो कल लाइव आएंगे मेंबरशिप पर ही बात करूंगा मैं। देखो भाई रोज पीडीएफ मांगते रहते हो तो यार इसके लिए तो मेंबरशिप ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक महीने में अगर आपको 35 से 40 पीडीएफ दे दी जाती है तो मेरे हिसाब से स्टडी करने वालों के लिए बहुत होगी। आ जाओ ये गैसे अपन इसमें भरते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है
लैंप में जो ट्यूब होती है ना वो बिल्कुल नैरो होती है, ठीक है ना, नैरो ट्यूब होती है, हिंदी में अपन इसको संकरी ट्यूब बोलते हैं। और इससे क्या होता है, नैरो ट्यूब से कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हेलोजन लैंप जो है ना, इसमें जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो जल्दी से कभी वाष्पीकृत नहीं होता है। वाष्पीकृत मतलब अपने गुणों को वो जल्दी से नष्ट नहीं होने देता है। इसके लिए एक कारण और है। कारण क्या है कि बताते हैं कि जब भी टंगस्टन के जो कण होते हैं वो वहां से उत्सर्जित होते हैं डिस्चार्ज क्रिया में, तो ट्यूब संकरी होने के कारण वो कहीं और जा नहीं पाते हैं और फिर से टंगस्टन के उस फिलामेंट पर ही आकर के चिपक जाते हैं, जिससे टंगस्टन कभी वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। और इस प्रोसेस को है ना रीजनरेटिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रीजनरेटिव चक्र या रीजनरेटिव साइकिल बोलते हैं। यानी टंगस्टन की रीजनरेशन क्रिया इसमें चलती रहती है, इसलिए एक हेलोजन लैंप का टंगस्टन कभी वाष्पीकृत नहीं होता और अन्य लैंप से कार्यकारी आयु इसकी बढ़ जाती है, तुलनात्मक रूप से एज इसकी ज्यादा होती है, ठीक है ना। छोटा सा लैंप है और ज्यादा कुछ आता नहीं है, और 35 ल्यूमन प्रति वाट के आसपास इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है, 35 ल्यूमन प्रति वाट इसकी एफिशिएंसी होती है। इस पर आप लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और लगभग 1000 वाट तक ये बनाए जाते हैं, ठीक है। और बड़े आपने देखा होगा हीट देने के लिए जब भी लैंप की अपन को जरूरत पड़ती है ना, आप लोग जिसको साधारण भाषा में मरकरी, आपने देखा होगा हीट देने के लिए जब भी लैंप की अपन को जरूरत पड़ती है ना, आप लोग जिसको साधारण भाषा में मरकरी बोलते हो वो यही होती है। उपयोग अपन इसका जैसे करेंगे वीडियोग्राफी के दौरान अपन जिस लाइट का उपयोग करते हैं ना वो इसी में होता है। और जब भी आपको बहुत हाई फ्लड लाइट जिसको बोलते हैं ना, हाँ वो फ्लड लाइट इसी में होती है, ठीक है। लैंप में कैप सीधी होती है, दोनों ओर किनारे होते हैं, रिफ्लेक्टर भी होता है ऐसे, तो मैं आपको बताऊं यूं इसका रिफ्लेक्टर भी ऐसे ही होगा, ये मान लीजिए इस तरह से, और यहाँ दोनों ओर लैंप अंदर वो ट्यूब लगने का ऑप्शन होता है, ठीक है। अपने पास है ये वाला वाइंडिंग में जब इंसुलेशन प्रतिरोध कम आता है तो हम लोग हीट देने के लिए इस लैंप को लगाते हैं, वाइंडिंग में मॉइस्चर आ जाता है ना तो इंसुलेशन प्रतिरोध 1 MΩ से कम आने लग जाता है, तो हीट ये लैंप सबसे ज्यादा देता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखो आज का दूसरा अपना जो है ना लैंप वो है आर्क लैंप, काफी इंपॉर्टेंट लैंप ये भी है। वैसे नॉर्मली आपको किसी भी बुक में जब भी आप देखोगे तो आपको आर्क लैंप के नाम से ही मिलेगा, लेकिन दूसरा नाम इसका कार्बन आर्क लैंप के नाम से भी होता है, ठीक है ना, कार्बन आर्क लैंप भी होता है। देखो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इस लैंप में आर्क यानी स्पार्क या चिंगारी उत्पन्न होती है, अपन अपनी भाषा में बोलते हैं। यस देखो इस लैंप का जो उपयोग है ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में इस लैंप से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं, उपयोग कहाँ करेंगे, लैंप का पावर फैक्टर कितना होगा। कार्बन आर्क लैंप के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 प्रश्न बनते हैं, इस पर अपन बात करेंगे, ठीक है ना। देखो जरा, देखो कार्बन के इस लैंप में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं भाई, ठीक है, कोई फिलामेंट वगैरह नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं कार्बन के, और दोनों इलेक्ट्रोडों में से एक को अपन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक को नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मोस्टली लैंप इस प्रकार का है कि डीसी सप्लाई पर ऑपरेट करते हैं, हालांकि बताते हैं कि कार्बन आर्क लैंप एसी का भी हो सकता है, लेकिन एसी पर जब भी लगाएंगे तो आपको चोक का उपयोग यानी ब्लास्ट के रूप में चोक लगानी पड़ेगी धारा कंट्रोल करने के लिए, ठीक है।
ओके भाई, हेलोजन लैंप का उपयोग मैंने बताया ना, फ्लड लाइट आप लोग बोल सकते हो। फ्लड लाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रकाश की जब हमें जरूरत होता है, और उसके बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग या ग्राफिंग में आपने देखा होगा ना, वीडियोग्राफर के पास जो होता है हेलोजन लैंप ही होता है। ठीक है भाई, कौन था? जितेंद्र, मिल गया होगा उत्तर। ओके, देखो कार्बन लैंप डीसी सप्लाई पर ही ऑपरेट होगा। कार्बन के दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नाम है। दोस्तों बताते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है ना, इसकी मोटाई अधिक रखते हैं, क्योंकि बताते हैं कि स्पार्क यानी पारक जब उत्पन्न होता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही सबसे अधिक यूज होता है, यानी सबसे ज्यादा यही घिसा जाता है कहते हैं। तो तुलनात्मक रूप से इसकी मोटाई कम होती है, लेकिन पॉजिटिव की अपेक्षा ये नुकीला होता है, ये ध्यान रखना है। नुकीला अधिक नेगेटिव वाला होता है, मोटा अधिक पॉजिटिव वाला होता है। डीसी सप्लाई पर अपन इसको ऑपरेट करते हैं, और उपयोग सबसे ज्यादा इसका कहाँ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्य प्रणाली पर भी हम बात करेंगे कैसे काम करता है। उपयोग जो इस लैंप का है ना, वो मात्र एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर भी आप लोगों के लिए है, सिनेमा प्रोजेक्टर। ठीक है, अच्छा खासा नाम है, याद रखना भाइयों, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पावर फैक्टर इसका यूनिट यानी इकाई पावर फैक्टर इसका होता है जिस पर ये काम करता है। ठीक है, बस नॉर्मल बात तो इतनी सी थी। अगर लैंप की एफिशिएंसी के बारे में कोई पूछे तो ध्यान रखना 20 ल्यूमन प्रति वाट इस लैंप की एफिशिएंसी होती है। ठीक है ना, ओके। पढ़ाई करने वाले को भी सजेशन देंगे भाई, बने रहिए बस। ठीक है, देखो भाई मेट्रो में वैकेंसी आई हुई है, स्टडी आप लोगों को लगातार करनी पड़ेगी। अपने चैनल पर पहले से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड है, आप लोग उसको जरूर पढ़ें। बहुत जैसे डीसी थ्योरी में ओम किरचॉफ लॉ सीरीज पैरेलल, इन सब पर बहुत प्रश्न पहले से भी उपलब्ध है। ठीक है, करेंगे भाई, मैं बात करूंगा यार आपसे, मेंबरशिप पर कल अलग से लाइव देते हैं तो आपसे बात करेंगे अपन। ठीक है, देखो भाई इस लैंप में क्या होगा कि यूं मान लीजिए इस तरह से दोनों हैं, कहते हैं कि जब यूं मान लीजिए न्यूक्लिया और ये अपने इसका होगा। ठीक है, ये तो है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को यहाँ एक प्रतिरोधक लगा करके और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डीसी सप्लाई देंगे यहाँ। ये जो रेजिस्टर है ये करंट कंट्रोल करने के लिए लगता है। ठीक है, कहते हैं कि जब भी दो इलेक्ट्रोडों के बीच में थोड़ा सा गैप रख करके अगर इनको अपन यहां से हाई वोल्टेज आरोपित करें तो इन दोनों के बीच में एक आर्क उत्पन्न हो जाता है। यहां इसके रिफ्लेक्टर लगा देते हैं और ये रिफ्लेक्टर इस प्रकाश को परावर्तित करके हमें लाइट देता है। ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में गैप, ये सबसे पहले तो बहुत कम होता है लेकिन बाद में ये यूज होता जाता है। ओके, ये इस तरह से यूज होता जाता है कि एक अरेंजमेंट बना होता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद में क्या होगा ये आगे खिसकते रहते हैं, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस थी ना वो बिल्कुल बिल्कुल एक जितनी ही रहती है। एमएम में गैप होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, एमएम में गैप होगा, और बहुत कम भी नहीं होता, तो 2 mm से लगभग 5 mm के आसपास नॉर्मली गैप होता ही है, और इसी स्पार्क की वजह से ही घिसता जाता है। कहते हैं कि ये जो आर्क है ना, इसका टेम्परेचर बहुत होता है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। ठीक है ना, बस भाइयों इतना सा ही था यार, याद रखना। दो लैंप अपने आज के हो गए,
एक अपना टॉपिक और बचा है अभी, सीरीज लैंप सेट और ड्रम स्विच वगैरह के बारे में, तो उस पर अपन कल बात करते हैं। इसके बाद अपन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों? कर देना यार वीडियो को लाइक प्लीज। और मैं बताता हूँ कि जितने भी वीडियो आते हैं ना उन पर भी आप लोग लाइक किया करो यार। अभी जैसे वो ऑफलाइन वाला वीडियो था मैंने डाला थोड़ी देर पहले, उसको देखा तो बहुत लोगों ने लेकिन यार लाइक नहीं किया। आपका कोई सजेशन है तो वो कमेंट करके बता दें कि सर ये वीडियो में कमी रह गई, हम नेक्स्ट टाइम जरूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो, हमें हौसला मिलता है। हम ये सोचते हैं कि जो हम करा रहे हैं वो अच्छा चल रहा है, ठीक है? और प्रदीप्ति का एक टेस्ट अपना बकाया है वो भी लेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स में प्रीवियस जितने भी प्रश्न आए हुए उनका लाइव टेस्ट लेंगे, वो भी देख रहे हैं कल से स्टार्ट करेंगे। टाइम यही अपना 9 बजे का रहेगा, ठीक है ना? ओके ठीक है ना, तो ठीक है भाई, ओके बहुत बहुत धन्यवाद।